coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Welcome back. तो आज हम जा रहे हैं बैप्यू बाजार, कुछ हमें सामान वगैरह लेना है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको भी लेके चले। तो बापू बाजार बेसिकली क्या कहते हैं, साड़ियों के लिए, बर्तनों के लिए, इलेक्ट्रिक की भी थोड़ी, मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहाँ पे एक कचौरों की दुकान भी जो कि बहुत फेमस है, जो कि हमें मम्मा लेके जाएगी जहाँ पे। मस्त कचौरी है वहाँ, बहुत अच्छी। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली वी आर एट बापू बाजार और ये पानी का प्रकाश है, ये मेन चौक बापू बाजार का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। नहीं तो ये कोई फूड चैनल नहीं है, आज मैं आपके साथ आया हूँ बापू बाजार। तो यहाँ पर आपको मेनली जयपुर की जो सारी फेमस चीज़ें हैं सब कुछ देखने को मिलती है। जैसे कि आपने अभी पिछले सीन में देखा होगा कि इतना बड़ी जूती लटकी हुई थी, तो यहाँ पे जूती भी बहुत फेमस है। और ये बेसिकली जब हम एंटर करते हैं तो ये यहाँ से आपकी बापू मार्केट स्टार्ट हो जाती है मेन चौराहे से, मतलब एक तरह से जो पार्किंग है उसके पास में। यहाँ पे आपको बेसिकली कपड़े मिलते हैं और ज्वेलरी की भी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें। तो ये बेसिकली चार से पांच पार्ट में डिवाइड है। जौहरी बाज़ार हो गया हमारा, फिर पुरोहित जी का कटला जहाँ पे साड़ी वगैरह मिलती है, जौहरी बाज़ार नाम से पता चल रहा है कि ज्वेलरी वगैरह के लिए फेमस है। और ये जो कपड़े वाले हैं जो यहाँ पे, मतलब कपड़े जो फेमस है वो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, वो जौहरी बाज़ार में भी आपको दुकानें मिल जाएगी और बाकी सारी चीज़ की भी। और यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कपड़ों पे आपको एलिफेंट और ये सारी चीज़ें जो कि राजस्थान की फेमस चीज़ जैसी ऊट, इन सब का प्रिंट मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी रीजनेबल रेट मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको अपनी मम्मी वाली हरकत करनी पड़ेगी, जो कि वो हर जगह जाके करती है, कभी कभी मॉल्स में भी कर देती है, जो कि है बारगेनिंग। क्योंकि यहाँ पे लोग आपको स्टार्टिंग प्राइस ही, अगर उस चीज़ का 800 रुपये होगा तो आपको 1600 रुपये पे ही वो बताएंगे, आपको खुद बारगेनिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, मैं इतनी नींद में था तो मैं कुछ इतना खास पब्लिक व्लॉगिंग कर पाया नहीं, और मैं नया आदमी हूँ, थोड़ा टाइम दो। सांभर में तो गया, जान पहचान के लोग थे तो इसलिए आसान था। मेरी मम्मी मेरे को बहुत गंदे लुक दे रही है अभी कि कुछ शूट किया ही नहीं। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा चौक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ पर पुरोहित जी का कटला है। वहाँ अंदर मैं जा नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी क्योंकि यहाँ पे जो औरतें हैं वो क्या बोलते हैं, फ्राइडे मार्केट में जैसी भीड़ लगती है ना जहाँ पे सब्जियाँ लेने जाते हैं, बिल्कुल वैसी लगती है जैसे सब कुछ फ्री में बट रहा हो। तो हाँ, यहाँ पे भीड़ भाड़ की जगह है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब आप बापू बाजार में एंट्री करेंगे तो लेफ्ट में आपको पार्किंग मिलेगी। सो हेलो गाइस, नाउ वी आर एट हवा महल। देख सकते हैं ये बापू बाजार के बहुत पास है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी आया जाए। सो दिस इज आर हवा महल। तो ये है हवा महल, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, खिड़की बहुत है इसलिए हवा आती है, इसलिए इसका नाम हवा महल है। म्यूजिक। तो गाइस रुकावट के लिए खेद है, छल्ली में छेद है, स्वागत है आपका वापस से। और ये है हमारा हवा महल जिसमें बेसिकली सिर्फ खिड़कियां हैं। तो मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ इसलिए मेरे लिए कोई इतनी, मतलब क्या बोलते हैं, रोमांचक चीज़ नहीं है। पर लेकिन हाँ, आप आओ तो आपको, वैसे अंदर मेरे ख्याल से मोस्टली शूटिंग वूटिंग अलाउड नहीं है, तो फोटो वोटो आप खींच सकते हो, तो अच्छी जगह है लाने के लिए। और यहाँ पे अब स्कूटीज़ का धंधा भी बहुत अच्छा चलता है, आप किसी भी दुकान के सामने चले जाओ आपको स्कूटी मिलेगी। और यहाँ पे बर्तनों की अब देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुरोहित जी का कटला है लेफ्ट साइड में, और जिस तरह मैं चल रहा हूँ राइट साइड में, वहाँ पे पूरी बर्तनों की दुकान है। हमने वहाँ से एक बहुत ही माशाल्लाह चीज़ भी ली थी जो कि मैं आपको थोड़ी देर में एंड में दिखाऊँगा। आप जानते हैं मैं किसके साथ गया था। ये देखिए बर्तन की चीज़ें, यहाँ पर आपको पूजा की सामग्रियाँ भी बहुत सारी मिलती हैं, बेसिकली ये सारा लोहे का सामान, हाँ लोहे का सामान है, यहाँ पे लोटे हो गए आपके, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, रैक्स वैक्स, मतलब सारी चीज़ें स्टील का, लोहे का, इन सारी चीज़ों आपको यहाँ पे उपलब्ध है। और मैं आपको, और ये देखिए हमारे बंदर जी मस्त बाइक चला रहे हैं बैठ के, पता नहीं किसकी मम्मी ने बताई, देखो बाइक चला रहे हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं अभी साथ में भी, अगर आपको शादी वादी करनी हो या कुछ भी करना हो आप यहाँ पे आ सकते हैं, उधर बनते हैं और यहाँ पर भी दिखते हैं थोड़े थोड़े।
और ये है मेनली पूरा का पूरा मेन चौक हमारा। तो वन सेकेंड रुकावट के लिए कह, तो अभी जो ये मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ सामने दुकान है, ये बेसिकली यहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें कपड़ों की है। अभी जो मैं आपको जूम करके पुरोहित जी का कटला की एंट्रेंस दिखाऊंगा, वहाँ पे अंदर जाके एक बहुत पतली सी गली है, वहाँ पर इतनी साड़ियाँ मिलती है, इतनी साड़ियाँ मिलती है कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, और सस्ते से सस्ते रेट में 500 रुपये तक की मिलती है, 250 350 रुपये की भी साड़ी मिलती है। वो अलग बात है पर्दे जैसी लगती है पर फिर भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने किसी कंजूस रिश्तेदार के लिए शॉपिंग करना चाहे तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा भाव भाव नहीं देते या आप उन्हें नहीं देते। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था अपनी गाड़ी यहाँ ना लाए क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा इतनी है कि आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि आप देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है कि बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लाना। हम एक बार लेके घुस गए थे, हमारी गलती हो गई थी, हमें एक घंटा मुड़ने में लग गया सिर्फ, हमको यू टर्न लेना था और यू टर्न लेने में एक घंटा लग गया था। तो तब से हम गाड़ी या तो पार्किंग में खड़ी कर देते हैं या फिर हम सीधा कैब या ऑटो लेके आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पूरी उसकी कपड़ों की मार्केट है, और थोड़ा सा आगे जाके और यहाँ पे बैंगल्स वगैरह, यहाँ पे बैंगल्स भी बहुत ही ज़्यादा वो है। ये देखिए ये पुरोहित जी की कटला की एंट्रेंस, यहाँ पे सीधा जाके अंदर आप देख सकते हैं, आपको यहीं से थोड़ा वो दिख रहा होगा कि साड़ी वाड़ी बहुत है। दूसरी चीज़, पुलिस वाले भी वहाँ पे डंडे मार रहे थे बिकॉज देर इज़ नो सोशल डिस्टेंसिंग। डंडे तो नहीं कह, मतलब बार बार बोल रहे थे तो इसलिए हम अंदर गए नहीं, टू बी सेफ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको बैंगल्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे सस्ते सस्ते रेट पे, आपको ऐसे नॉर्मली जैसे रोड के किनारे बैठ जाते हैं वहाँ पे मिलेंगे, मेन दुकान में भी जाके आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते बर्तन मिलेंगे, वेरी नाइस, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे बर्तन मिलेंगे। और यहाँ से नॉन स्टिक पैन, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर कंपनी की भी आप लेने जाएंगे तो भी सस्ता पड़ेगा। और ये जो मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ, यहाँ से अंदर जाके सारी लोहे की मार्केट शुरू होती है, मतलब बाहर तो कुछ भी नहीं, अंदर तो इतने लोहे, मतलब दबा के बहुत ही मस्त, पूरे लोहे लोहे की मार्केट है अंदर। और बेसिकली तो यही बापू बाज़ार है। फिर अगली बार मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर अच्छी तरीके से पूरा व्लॉग करूंगा, क्योंकि मैं अब आऊंगा तो। सो गाइस, वी आर फाइनली बैक फ्रॉम द मार्केट, और टाइम हो रहा है अराउंड 6 बज रहे हैं, और हम बहुत सारी चीजें लाई हैं जो कि अभी आपको पूनम्स अनबॉक्सिंग थेरेपी पे देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम लाए हैं हमारे खाने का सामान जो कि मैं अभी नहीं खाता। ये है एक, ये है एक, क्या है ये, भूल गया नाम, देगची कहा जाता है। इसके अंदर चिकन बनाए जाते हैं, और ये पहले भी ये इसके जो अंदर वाला पार्ट है वो ऐसा था, पर लेकिन हमने इसको ऐसा करवा दिया क्योंकि अगर हम इसके अंदर कुछ खट्टा डालेंगे तो हम मर जाएंगे और आपको व्लॉग्स नहीं मिलेंगे। कलई कहा जाता है वरना पॉइजन हो जाता है इसके खट्टा मिलते लाइक ब्रैस। और यहाँ पर हम काली थैली में लाए हैं कुछ गैर कानूनी सामान, 2.5 करोड़ का सामान है इसके अंदर। यह है लोहा गांजा, ये भी छोटी छोटी सी चीज है, बिल्कुल छोटी सी, ये देखो मिनिमाइज्ड, हाँ मिनिएचर, यस। देन वी हैव दिस, ये पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं मालूम है क्या चीज है, छल्ली तो है पर है। और सबसे बड़ी चीज, वी हैव अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, और क्या, और ये अर्थवर्म बनाने के लिए सफेद अर्थवर्म, नूडल्स अच्छी लगी मुझे। और हम अश्विन के लिए क्या लाए हैं, अश्विन के लिए हम लाए हैं, नहीं ये तो शुभू के लिए अश्विन के लिए लाए हम, ये पता नहीं क्यों, ये देखो अश्विन के लिए हम लाए हैं। अश्विन इधर आ, इधर आ, चला के देख जल्दी आ। सो ये जो हम लाए हैं, राजा रानी चले चले चले, ये है गुलाब, ये सीताबो, पानी भरने चले, मैं तो न जाऊंगी तेरे संग रहूंगी, मैं तो न जाऊंगी, राजा रानी ये है, राजा रानी ये है, राजा रानी। कैसे लग रहे, ये भी लाए हैं हम, इनका थोड़ा तो ये वाले चला। पहनावा अलग है, ये जरा थोड़े धार्मिक है, ये थोड़े मॉडर्न है, दीज आर सम धार्मिक पीपल, अच्छे चल रहे,
बढ़िया लग रहे। राजा रानी मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा था कैसे। राजा और ये भी समथिंग है, वी दिस हैव दिस, ये नाच रहा है। ये हम लाए हैं नीचे से भी पकड़ो। और ये हम लाए हैं शुभू के लिए। शिवी जरा ये देखो, ये क्या है, शिवी के लिए लेके आए हम। लो ये देखो, ये क्या, इसे हम शिवी को ऐसी करेंगे पैर पे। हाँ इसको मजा आता है ऐसे थोड़ा करवाने में। तो इसका ना पहले ग्लव था तो वो खराब हो गया, वो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम उसकी जगह ये लिया रिप्लेसमेंट।